अरे भैया, आज भी हम नियॉन मिक्स स्टोर को कंटिन्यू कर रहे हैं भैया। ओ हाँ, ये वर्ल्ड बहुत लंबा है। अभी हम कौन से लेवल तक पहुंचे हैं भैया? पिछले बार तक हमने 16 लेवल क्रॉस कर लिए थे, अब 17 लेवल की बारी है। ओके 17 लेवल। ओके अभी और कितने लेवल बाकी हैं? आप बस खेलते जाइए भैया, अभी तो बहुत स्टेजेस बाकी हैं। देखते हैं 17 लेवल में हमको क्या चैलेंज मिलता है। ओए ठीक है, देख लेते हैं। ओह यहाँ पर तो डेव है, क्रेजी डेव है उसकी। बस ये तो कुछ गार्लिक की बात कर रहे हैं, गार्लिक का अनलॉक होने वाला है। बस भैया आप ये लेवल पार कर लीजिए, इसके बाद गार्लिक अनलॉक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं भैया, वैसे ज़्यादा हार्ड जॉम्बी तो नहीं लग रहे हैं भैया, पर एक खतरनाक जॉम्बी लग रहा है भैया, जो कैप पहनकर, पर्पल कैप पहनकर वहाँ खड़ा हुआ है भैया। ओए देखने से तो ज़्यादा खतरनाक नहीं लग रहा, क्या करता है वो भैया? वो रेड बाल वाली जैसा है यह है भैया, वो भी केक मारता है, लेकिन उसके केक से जो जॉम्बी है वो उछल कर और सामने आ जाते हैं भैया। कभी कभी तो वॉलनट को भी क्रॉस कर लेते हैं। चलिए भैया आपने प्लांट ले लिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओए ठीक है, पहले मैं सनफ्लावर प्लांट करना चालू करता हूँ, और सन मिलते जाएंगे और सनफ्लावर प्लांट करूँगा। देखते हैं इस लेवल में कैसे कैसे जॉम्बी आते हैं। तो अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। चल अब जॉम्बी आना चालू भी हो गए हैं। एक सिंपल जॉम्बी आ रहा है, ये क्या कर लेगा? बढ़िया है, इसके लिए तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सैलरी रख देता हूँ। इसके लिए कम सन वाला ये काम चल जाएगा, हमारे 50 सन में काम हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे और मौका मिलते जाएगा, ताकि मैं और सनफ्लावर प्लांट करते जाऊं। वाह भैया बढ़िया है, देखिए सैलरी ने उसे तुरंत ही मार दिया भैया, क्या बात है। अब तो बकेट हेड आ रहा है भैया, इससे एक सैलरी से काम नहीं चलेगा भैया। तो यहाँ वॉलनट रख दिया, बढ़िया है, उसके पीछे बॉन्ग चॉय रख दिया, क्या बात है भैया। ओ यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर बॉन्ग चॉय सबसे अच्छा है, वो उसे जल्दी ही निपटा देगा। और यहाँ पर मैंने एक और सैलरी रख दी, ताकि मेरा सेकंड लेन भी सुरक्षित हो जाए। बढ़िया है भैया, ये लेवल पे दो फ्लैग आने वाले हैं, यानी कि दो ह्यूज वेव आने वाले हैं भैया। ओ हाँ सबको पार कर लेंगे। देख वो तेरा जंप करने वाला जॉम्बी आ रहा है, जो कि आराम से चलता हुआ आ रहा है। किसी भी वक्त म्यूजिक बजेगा तो वो डांस करना चालू कर देगा, और उसे इस बार मारने पर तो प्लांट फूड बोनस में मिलेगा, क्या बात है। हाँ भैया बहुत बढ़िया, अच्छा है हमको एक प्लांट फूड मिल जाएगा भैया, जो बाद में काम आएगा। ओ ये तो डांस शुरू करते ही मर गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देख कितने छोटे छोटे लाल बाल वाले आ रहे हैं। ओ ये क्या, वो तो घूमता भी है, स्पिन भी करता है, स्पिन करते हुए जॉम्बियों को और आगे फेंक देता है। अच्छा अब समझ में आया मुझे। हाँ भैया ये थोड़ा खतरनाक जॉम्बी है, इससे थोड़ा बच के रहना होगा। देखिए कैसे स्पिन करता हुआ हर जॉम्बी को बाहर फेंक देता है भैया, उछाल देता है। ओए हाँ मैं भी देख रहा हूँ, अरे एक जॉम्बी तो बहुत पास आ गया था, अच्छा हुआ मर गया। अभी वैसे तो मैंने हर लेवल पे एक एक पी शूटर रख दिया है, शायद काम कर जाए। अरे भैया मुझे नहीं लगता काम कर रहा है भैया, आपको जल्दी से कुछ करना होगा। चलिए बच गया भैया, थोड़ा सा और बाकी है। मुझे लगा था कि जॉम्बी एक साथ अंदर आ जाएंगे भैया, थोड़ा बच के रहना होगा। देखिए ये तो लात मारने वाली जॉम्बी भी आ गए भैया। ओए तू फिकर मत कर, मेरे पास टाइम वॉर्प है, सबको पीछे भेज दूंगा। उसका यूज एकदम क्रिटिकल कंडीशन में करना है, जैसे कि ये देख ये एकदम पास पहुंच गया था, अगर बकेट वाले को हमें टाइम वॉर्प नहीं करता तो बहुत दिक्कत हो जाती। हाँ भैया अब बढ़िया है, देखिए अब हमको काफ़ी टाइम मिल गया है भैया, इस लेवल को हम आराम से क्रॉस कर पाएंगे। ओए तैयारी तो मैंने पूरी कर रखी है, देखते हैं ये जॉम्बी कहाँ तक जा पाते हैं। ओ ये क्या, उसने तो उसको पकड़ने वाले को और ऊपर फेंक दिया, अरे ये तो गलत बात है। ओ भैया जल्दी प्लांट फूड यूज़ करिए, अच्छा हुआ आपने टाइम से प्लांट फूड यूज़ कर लिया भैया, वरना दिक्कत हो जाती। अरे ऐसे कैसे दिक्कत हो जाती, सब संभाल लेगा तेरे जैक भैया, यू डोंट वरी। ठीक है भैया फाइनल वेव आने वाली है, देखिए फाइनल वेव आना चालू भी हो गई है, और देखिए खतरनाक ज़ॉम्बी आते जा रहे हैं भैया। ओए देखते हैं, ये लेवल तो लगभग ऑलमोस्ट क्रॉस हो गया, कोई उतने ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ भैया ये लेवल तो लगभग क्रॉस हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया। देखिए आखिरकार ह्यूज वेव आ गई भैया, मुझे लगा था पहले ही ह्यूज वेव आ जाएगी, लेकिन अब आ रही है भैया। ओए इतने सारे बकेट हेड वाले जॉम्बी, साथ में पांचों लेन में ये डांसिंग जॉम्बी भी है। इन डांसिंग जॉम्बियों की एक खराब बात है,
कि बाकी ज़ॉम्बियों के पीछे छुपकर ये बच जाते हैं, वरना तो इन्हें मैं बताता। इसलिए तू ज़्यादा खतरनाक है भैया, इनसे बचना होगा। हालांकि आपने हर जगह बॉन्ग चॉय लगा के रखे हैं भैया, तो मुझे नहीं लगता कि उतनी कुछ खादा प्रॉब्लम होने वाली है भैया। ओए हाँ मुन्ना, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुई और आराम से हमारा काम भी बन गया। और ये देख, आखिरकार गार्लिक भी अनलॉक हो गया। वाह भैया, आखिरकार एक और प्लांट अनलॉक हो गया भैया। पता नहीं इसका यूज़ इसमें कैसे कर पाएंगे भैया। अरे वैसे ही मुन्ना, जैसे हमने प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 1 में किया था। भैया प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 1 और 2 में काफ़ी अंतर है भैया। इसमें सिंपल ज़ॉम्बी थे और इसमें तो काफ़ी हार्ड ज़ॉम्बी आ रहे हैं भैया। डांसिंग ज़ॉम्बी, जो कि हो सकता है कि आपके गार्लिक को लात मारकर बाहर भी फेंक दें भैया, तो हो सकता है उनके ऊपर गार्लिक का कोई असर ही ना पड़े भैया। जैसे कि ये माइक वाला है, माइक वाला तो अपने माइक से खींच लेगा गार्लिक को भैया। ऊपर से स्केट वाली है भैया, ये स्केट वाली तो हो सकता है कि उस गार्लिक को दबा ही दे। ओए लगा के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं ये वर्क करेगा कि नहीं। हाँ भैया देखते हैं। देखिए आपने सभी प्लांट तो ले लिए हैं, चलिए गेम स्टार्ट करते हैं भैया। अब क्या बचा है, अब क्या देख रहे हैं भैया? अरे आपने फायर पीस शूटर लिया हुआ है, ये तो मुझे पता ही नहीं था भैया। ये आपने कब ले लिया? ओए प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2 में जब आप अरीना वॉर खेलते हैं तो आपको बोनस में डायमंड भी मिल जाते हैं, तो उस डायमंड से मैंने ये प्रीमियम प्लांट खरीदा है जो कि आगे के स्टेज में हमको बहुत मदद करेगा। तो अभी एक बार इसको यूज़ करके देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल या कितना इफेक्टिव है ये। अरे भैया दो छोटे ज़ॉम्बी, वो भी एक साथ, दो दो लेंस है भैया, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अच्छा वो आपने वॉलनट रख दिया भैया, तो एक तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन दूसरे को थोड़ा टाइम लगेगा भैया। और इधर से दो ज़ॉम्बी और आ रहे हैं भैया, कैसे संभालेंगे इसको? ओए देख छोटे ज़ॉम्बी वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अभी दो ज़ॉम्बी और आ रहे हैं। इसके लिए ये पी शूटर एक रख देता हूँ, देखता हूँ ये उसे ख़त्म कर पाएगा या नहीं। और दूसरे वाले लेन में देखता हूँ, अगर सैलरी एक्टिवेट हो गया तो तुरंत ही लगा दूंगा। ये बात अब सही लग रहा है मुझे। हाँ भैया लेकिन देखिए आपका पी शूटर तो अभी तक उसे ख़त्म नहीं कर पाया भैया, लेकिन लगता है अब ऑलमोस्ट हो जाएगा। बढ़िया है भैया, अब तो बकेट हेड वाला भी आ रहा है भैया, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अच्छा वो आपने वॉलनट रख दिया भैया, अभी मुझे लग रहा है कि सही चल रहा है भैया, आपने पी शूटर लेकर अच्छा काम किया। ओए हाँ मुझे भी लग रहा है कि इससे काम बन जाना चाहिए। ओए डांसिंग ज़ॉम्बी एक्टिवेट हो गए, अरे कुछ करना पड़ेगा, दो लेन से आ रहे हैं, ये कहीं मेरे वॉलनट को मार ना दे। अच्छा हुआ म्यूजिक ख़त्म हो गया, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती। अरे भैया अभी तो मेन प्रॉब्लम जाना चालू हुई है भैया, स्केट वाली अगर इसके ऊपर से चली गई भैया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कई बार उसके स्केट से प्लांट जो है वो गायब हो जाते हैं भैया। बहुत खतरनाक है भैया, खासकर वॉलनट को तो वो ऐसे ही ख़त्म कर देती है भैया, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ओए तू तो फालतू का घबरा रहा है, देखते जा कैसे इसको कवर करते हैं। तो मैंने हर जगह लगभग ये फायर पी शूटर लगा दिए हैं, तो उससे काम बन जाना चाहिए। हाँ भैया मुझे भी लगता है कि इससे काम बन जाना चाहिए भैया, देखिए कैसे ज़ॉम्बी मरते जा रहे हैं भैया, ये बढ़िया है। ओए लेकिन सबसे नीचे वाले लेन में मैंने कुछ नहीं रखा है और ज़ॉम्बी बहुत पास आ गया है, लगता है मुझे टाइम वार्प यूज़ करना पड़ेगा, अब कोई चारा नहीं है। या तो मैं फिर मुझे प्लांट फूड यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन प्लांट फूड गलत जगह यूज़ हो गया। ओह वो तो बहुत पास आ गए, कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा हुआ सही टाइम पर मैंने टाइम वार्प यूज़ कर दिया, अरे प्लांट फूड गलत जगह यूज़ हो गया था, मैंने गलती से उसे सनफ्लावर पे डाल दिया। तो मैंने सोचा कि ज़ॉम्बी जल्दी मर जाएंगे, लेकिन सनफ्लावर पे डालने के कारण वो ख़त्म हो गए। पर ये क्या हो रहा है, ये डांसिंग ज़ॉम्बी तो लगातार इन ज़ॉम्बियों को और सामने करते जा रहे हैं, तो प्लांट फूड ही यूज़ करना पड़ेगा। देख मेरे पास अच्छा हुआ दो तीन प्लांट फूड थे, तो उनसे काम बन गया। हाँ भैया देखिए कितने जल्दी जल्दी ज़ॉम्बी आ रहे हैं भैया, और ख़ासकर ये जो डांसिंग ज़ॉम्बी है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी ज़ॉम्बी सेना को सामने कर देते हैं भैया, उन्हें आगे जंप करवा देते हैं, तो हमको टाइम ही नहीं मिलता भैया। ओए हाँ ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, इतने बकेट हेड वाले ज़ॉम्बी इतने पास आ गए और मेरा जो टाइम वॉर्फ है वो तो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। देख एक ज़ॉम्बी तो बहुत पास आ गया है, बाप रे। ओह अब मैं क्या करूँ, लाइटनिंग बोल्ट का यूज़ कर सकता हूँ, तो आखिरकार लाइटनिंग बोल्ट ही काम आया। चलिए कोई नहीं भैया, आखिरकार हमारा काम तो बन गया, चाहे लाइटनिंग बोल्ट से बने या नॉर्मल सिंपल से बने भैया, और ये कोई बात नहीं भैया,
अच्छा है हम जीत गए। और इसी के साथ डे 18 भी ख़त्म हुआ भैया। बढ़िया है। अब देखिए जो अगला प्लांट है वो कुछ स्टेजेस के बाद में अनलॉक होगा भैया, तब तक हमको ऐसे ही खेलना होगा। ओए बढ़िया है, देखते हैं अगले लेवल पे क्या चले जाता है। ओ ये तो बहुत बड़ा ज़ॉम्बी है। ओ इसमें तो बहुत बड़े बड़े ज़ॉम्बी आने वाले हैं। और ये क्या ब्लू कलर का है? मुझे लगता है कोई प्रीमियम प्लांट है भैया। देखिए हमको डैमो के लिए दिया हुआ है। ओए पर ये करता क्या है? इसको डाल के देखते हैं। ओ ये तो छोटा कीटी टाइप का है। ओ और यहाँ पर एक थॉम्पर भी लगा दिया मैंने। ओ ये तो उछल रहा है, बहुत बढ़िया। इसमें से स्पार्क निकल रहे। ओ ये क्या उन्ना, ये तो बहुत अच्छा है, इसने जॉम्बी को तुरंत ही मार दिया। हाँ भैया मैं भी वही देख रहा हूँ, इसके रेंज में अगर जॉम्बी आता है तो ये तुरंत ही उनको मार देता है भैया। जैसे कि हमारा वो इलेक्ट्रिक बोल्ट वाला था भैया, वो ऐसा ही काम करता है, पर जैसे ही उसमें प्लांट फूड डालते थे तब ये काम करता था और ये उनके ऊपर अटैक करता है भैया। आपने उस वाले को एकदम सामने कर दिया है भैया। इससे वो तो ख़त्म होने वाला है। देखिए भैया उसको बचाइए। अच्छा हुआ बच गया भैया। इनको पीछे ही लगाना पड़ेगा भैया, ऐसे में काम नहीं बनेगा भैया। हो और हमको टाइम वार भी मिल रहा है भैया, ये अच्छी बात है। ओए सब अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनका रेंज बहुत कम है, ऊपर से इनको रिचार्ज होने में टाइम लगता है। एक बार में एक ज़ॉम्बी को ही मार पाते हैं, सारे ज़ॉम्बियों को एक साथ नहीं मार पाते, तो हमको टाइम वार यूज़ करना ही पड़ेगा वरना बहुत देर हो जाएगी। हाँ भैया ये तो है, बिना टाइम वार्प के बहुत दिक्कत हो जाती है भैया। देखिए गार्लिक भी मिला हुआ है, गार्लिक को हम कहीं पर यूज़ कर सकते हैं भैया। तो अच्छा आपने दो जगह यूज़ किया हुआ है, बहुत बढ़िया भैया। देखिए अभी हमारे पास ये तीन किटी है तो इससे हमारा काम बन रहा है भैया। काम पर भी है हमारे पास में और साथ में ये छोटे छोटे सैलरी भी मिले हुए हैं भैया, तो बढ़िया है। ओ ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनके ऊपर अगर हम प्लांट फूड डालें तो क्या होगा? पता नहीं भैया, ट्राई करके देखेंगे। अभी तो हम फिलहाल ऐसे ही काम चल रहा है भैया, और दिक्कत हुई तो हमारे पास टाइम वार्प तो है ही भैया। ओए ठीक है, वैसे भी तीन फ्लैग है इस स्टेज में, दो हमने क्रॉस कर लिए हैं, बस एक ही बाकी है। हाँ भैया अभी तक तो सब सही रहा है। देखिए बकेट हेड वाले को भी एक बार में मार देता है भैया, ये बहुत बढ़िया है। ओ यहाँ लेकिन ज़ॉम्बी बहुत पास आते जा रहे हैं, और इसके लिए टाइम वार्प तो है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ भैया टाइम वार्प को थोड़ा बचा के रखिएगा, वरना दिक्कत भी हो सकती है भैया। ओए नीचे में एक ज़ॉम्बी एकदम पास पहुंच गया है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं तुरंत ही टाइम वार्प यूज़ करता हूँ। अच्छा हुआ मैंने टाइम से टाइम वार्प यूज़ कर लिया, वरना बहुत दिक्कत हो जाती। हाँ भैया ये तो है, देखिए कैसे डांस करते हुए आ रहे हैं भैया। पर हमारे जो ब्लू वाले छोटे छोटे ये प्लांट है वो भी तैयार है भैया, बहुत बढ़िया। लेकिन डांसिंग ज़ॉम्बी बहुत तेज़ी से आ रहा है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ओ ये तो उसको सैलरी को भी क्रॉस कर गया भैया। ओ अच्छा हुआ उसको मार दिया उसने। ओ यहाँ तो बड़े बड़े ज़ॉम्बी आ रहे हैं, क्या ये इनको संभाल पाएगा? देख करंट तो लग रहा है लेकिन उनको कोई असर नहीं हो रहा, ये थोड़ी दिक्कत की बात है। चल एक तो निपट गया, अरे दूसरा भी निपट गया, तीसरा भी निपट गया, क्या बात है, ये तो बहुत फास्ट है, इनको लेना ही होगा अगी, बहुत ही अच्छे हैं ये। हाँ भैया ये तो मैं भी देख रहा हूँ भैया, हो सकता है ये प्रीमियम प्लांट होंगे भैया, तो हम बाद में इन्हें देख लेंगे। पर प्रीमियम प्लांट बहुत अच्छे अच्छे होते हैं भैया, हम डायमंड कलेक्ट करेंगे और प्रीमियम प्लांट भी लेंगे भैया, तभी हम आगे के स्टेजेस को पार कर पाएंगे भैया। पर ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो काम चल रहा है। देखिए अगला डे आ गया भैया, अब इसमें देखते हैं कि क्या चैलेंजेस आते हैं। ओए ठीक है देखते हैं, तो पहले सनफ्लावर ले लिया, और अभी तो सिंपल ही ज़ॉम्बी लग रहे हैं, ज़्यादा हार्ड ज़ॉम्बी नहीं लग रहे, तो वही लेते हैं जो हम हर बार लेते हैं, बॉन्ग चॉय ले लेते हैं। इसके अलावा वॉलनट ले लिया मैंने, और देखने दे जो वो हमारे प्लांट है वो कहाँ पर है, तो एक फायर पी शूटर जैसे मैंने पिछले बार लिया था, और एक टाइम वार्प ले लेते हैं, सैलरी ले लेते हैं। वाह भैया बढ़िया है, लगता है इस लेवल को भी हम आराम से क्रॉस कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। गार्लिक भी ले लिया, बढ़िया है भैया। ओए चल देखते हैं, पहले मैं सनफ्लावर प्लांट करना चालू करता हूँ, सेम जैसा मैं हर स्टेज को स्टार्ट करता हूँ, तो देखते हैं इसमें सन कितनी जल्दी जल्दी आते हैं। तो एक और सनफ्लावर गया, अभी वेट करते हैं कब तक ज़ॉम्बी आते हैं, तब तक हमारे पास टाइम है। ये 20 है और इस लेवल पे दो फ्लैग आने वाले हैं। देख पहले वाला जो है ज़ॉम्बी है वो स्केट वाला ज़ॉम्बी है, इसके पीछे में सैलरी डालना पड़ेगा तब काम बनेगा, और ये इतना धीरे आ रही है तो हमको बहुत टाइम मिल जाएगा,
ताकि हम एक और सनफ्लावर डाल सकें। ओह, यहाँ पर मैंने एक गार्लिक लगा दिया है। ठीक है भैया, लेकिन गार्लिक लगाने का क्या फ़ायदा हुआ भैया? आपको तो पहले इसको मारना था ना भैया। देखिए कैसे रंग बिरंगी छोड़ते हुए जाती है भैया। अच्छा, गार्लिक हमने इसलिए छोड़ा है ताकि वो लेंस सुरक्षित हो जाए भैया। अब समझ में आया। वो एक बार गार्लिक का यूज़ करके देखना चाह रहा था कि वाकई गार्लिक काम करता है या नहीं। देख, इसमें शिफ्ट कर दिया है, तो अब इस लेन में जितने भी ज़ॉम्बी आएंगे उसके लिए मैंने थोड़ा इंतज़ाम करके रखा हुआ है। ये जैसे कि फायर पी शूटर, तो जल्दी जल्दी मरते जाएंगे इसमें लोग। वाह भैया, ये तो अच्छी स्ट्रेटेजी लग रही है भैया, क्योंकि ये पूरे सुरक्षित है भैया। यहाँ पर तो बहुत सारे प्लांट लगा दिए हैं अपने बीचों बीच में, तो जो भी ज़ॉम्बी बीचों बीच में आएगा वो जल्दी मरता जाएगा भैया। होपफुली कि ये स्ट्रेटेजी काम करे भैया, क्योंकि जैसे ही डांसिंग ज़ॉम्बी आएंगे तो दिक्कत आना चालू हो जाएगी भैया। देखिए जैसे कि ये डांस करते हुए आ रहे हैं, तो फायर पी शूटर तो आपने रखा हुआ है भैया, और जैसे कि ये बीच वाला जो है वो भी थोड़ा सुरक्षित तो हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है भैया कि अब ज़ॉम्बी आगे ढकेलते हुए जा रहे हैं भैया, और एक साथ में इतने सारे ज़ॉम्बी भी आ रहे हैं। देखते हैं स्केट वाली क्या कर पाती है भैया। अरे वाह भैया, ये तो वाकई काम करता है, बढ़िया है। लेकिन ये क्या भैया, वो स्केट वाले ज़ॉम्बी ने तो आपके गार्लिक को तोड़ दिया भैया, और वो आगे ही बढ़ते जा रही है। उस लेन में आपने कुछ नहीं किया है, बाकी लेन को तो आपने अच्छा सुरक्षित कर लिया भैया। देखिए सामने लेन वाले के लिए कुछ करना पड़ेगा भैया। देखिए उसमें तो डांस करते हुए ज़ॉम्बी भी आ रहा है, दोनों को मारना पड़ेगा। अरे कितने पास पहुँच गए भैया, अच्छा हुआ आपने टाइम वार्प सही पर यूज़ कर लिया, वरना तो दिक्कत हो जाती। ओ यार, मैंने भी नहीं सोचा था मेरे दोनों गार्लिक चले गए। ओ ये तो वाकई खतरनाक ज़ॉम्बी है, देख कैसे डांस करते हुए तुरंत ही फेंक दिया, और ये माइक वाले ज़ॉम्बी ने तो हमारे प्लांट को भी उखाड़ लिया है। बाप रे, इतने खतरनाक ज़ॉम्बी हैं, कुछ करना पड़ेगा। अभी तो मेरे पास टाइम वॉर भी नहीं बाकी है, और ये तो बहुत पास आ गए हैं, अब क्या करेगी समझ नहीं आ रहा। अरे भैया आपके पास तो प्लांट फूड भी नहीं है, एक बार करंट मार कर देखिए भैया। अरे ये क्या भैया, किसी को कुछ नहीं हुआ? ये तो बहुत खतरनाक ज़ॉम्बी है भैया। चलिए कोई बात नहीं, हमारा एक लॉन मोवर चला जाएगा तो क्या होगा भैया, हम आगे कवर कर लेंगे। देखिए वो ज़ॉम्बी बहुत पास पहुंच गए थे, अब आपने वहां पर भी एक पी शूटर लगाया है तो शायद काम बनाना चाहिए। ओए, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा टफ है ये। मैं सोचा था कि आराम से हो जाएगा, लेकिन ये ज़ॉम्बी तो पास आते ही जा रहे हैं। देख हमारे पास फायर पी शूटर काफ़ी सारे हैं, लेकिन उनसे भी काम नहीं बन रहा है, तो टाइम वॉर्प करके इनको पीछे कर देता है। साथ में अभी मैंने यहाँ पर एक बॉन्ग चॉय लगाया है, देखते हैं वो काम करता है या नहीं। भैया सेकंड वाली लाइन में देखिए भैया, कितने सारे ज़ॉम्बी एक साथ आ गए थे, अच्छा वो आपने तुरंत ही इसको टाइम वॉर्प को यूज़ कर लिया भैया, वरना बहुत दिक्कत हो जाती। देखिए अब ये बस इतने ही ज़ॉम्बी बाकी है, बस ये ख़त्म हो जाए भैया तो हमारा काम हो जाएगा। ओ यहाँ ये डे 20 है, इसके बाद डे 20 भी ख़त्म हो जाएगा, फिर देखेंगे 21 में क्या आता है। अभी तो वैसे सभी ज़ॉम्बियों को आराम से मारते जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अरे भैया ज़ॉम्बी एकदम पास पहुँचते जा रहे हैं, और आप बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। देखिए अब केवल दो ही ज़ॉम्बी बाकी है, बस इनके ख़त्म होते ही काम बन जाएगा भैया। आपने बॉन्ग चॉय लगा दिया, अब वो तो बहुत जल्दी मर जाएंगे भैया। ओए मरना चाहिए था, मर क्यों नहीं रहे थे समझ नहीं आया, पर कोई बात नहीं, आखिरकार ख़त्म हो गया। बढ़िया है भैया, ये देखिए हमको माइक मिला है, लगता है एक और एंडलेस सीरीज आई है भैया। ओए हाँ, ये तो कोई एंडलेस सीरीज लगती है, और ये माइक है यानी कि इसमें कुछ सिंगिंग विंगिंग होगी। ओह अच्छा समझ में आया, ये वैसे भी इसका नाम नियॉन मिक्स टूर है, तो इसमें गाना बजाना तो होता ही रहता है, इसलिए इसका सिंबल माइक है। अब समझ में आया, ये भी एक एंडलेस सीरीज है, इसका नाम है ग्रेटेस्ट हिट्स। वाह भैया बहुत बढ़िया, ये लेवल भी क्रॉस हो गया। देखते हैं अगले लेवल पे क्या होता है। देखिए ये ग्रेटेस्ट हिट्स है भैया, इन सबको हम बाद में खेलेंगे भैया एंडलेस सीरीज को, पर पहले हम एक बार ये प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2 ख़त्म तो कर दें। ओए ख़त्म कर देंगे मुन्ना, तू देखते जा, अभी तो हम इस वर्ल्ड में पहुँचे हैं, इसको ख़त्म करना है। डोंट लेट द ज़ॉम्बी ट्रैम्पल द फ्लावर्स, ओके? तो इसके लिए देखना पड़ेगा, इनको फ्लावर क्रॉस करने नहीं देना है, और फ्लावर भी काफ़ी आगे है, इसके लिए थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या क्या प्लांट लेने हैं। पहले सनफ्लावर तो ज़रूरी है, उसके अलावा एक वॉलनट भी ज़रूरी है, बॉन्ग चॉय भी रख लेता हूँ मैं, एक फायर पी शूटर तो रखना ही पड़ेगा, उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि टाइम वॉर्प रखा जाए, और साथ में सैलरी भी रखा जाएगा। फिर जो आखिरी स्लॉट बच गया है उसके लिए सोचना पड़ेगा क्या रखूँ।
भैया मेरी मानिए स्पाइक वीड रखिए भैया, क्योंकि आप उसको अगर वॉलनट के पीछे रखेंगे तो ज़ॉम्बी जल्दी मर जाएंगे। ओए तू बोलता है तो रख लेता हूँ, चल अब स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी सनफ्लावर प्लांट करना चालू करते हैं, और कोई भी ज़ॉम्बी आएगा तो उसे जल्दी से मारना पड़ेगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ भैया देखिए, अब अपने दो सनफ्लावर प्लांट कर दिया है, ज़ॉम्बी आना भी चालू हो गया भैया। अब तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला, और दो दो लेन से आ रहे हैं भैया, तो सोचना पड़ेगा एक के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वॉलनट हमारे पास है भैया, एक के लिए वॉलनट रख देते हैं। ओए ठीक है, एक के लिए वॉलनट रख देंगे, पर वो बहुत ही पास आता जा रहा है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ तो डांसिंग ज़ॉम्बी भी आ रहे हैं, बाप रे। अच्छा हुआ सही टाइम पर सैलरी एक्टिवेट हो गई, वरना तो दिक्कत हो जाती। अभी वो सिंपल वाला ज़ॉम्बी तो उसे खा ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओ ये क्या, और डांसिंग ज़ॉम्बी, अरे ये तो और मुश्किल बनाता जा रहा है। हाँ भैया ये तो और मुश्किल होता जा रहा है, जितना सोचा था उतना आसान नहीं है भैया। देखिए ये डांसिंग वाले ज़ॉम्बी भी आ गए हैं भैया, ये तो ज़ॉम्बियों को ढकेल ढकेल कर और सामने कर देंगे भैया, इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। ओए तो फिक्र मत कर, अभी करता हूँ, यहाँ पर एक सैलरी डाल दिया मैंने। ओह ये क्या, ये तो सैलरी को ही खाते जा रहे हैं, और अगर खाते नहीं हैं तो डांस करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और एक ने तो मेरी सैलरी खा भी दी। ओह अरे बाप रे, अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ॉम्बी बहुत पास आते जा रहे हैं, तो सही टाइम पे हमें टाइम वॉर्प यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा हुआ टाइम वॉर्प यूज़ कर लिया, तो अब यहाँ पर भी एक वॉलनट रख देता हूँ। अभी मैंने एक ही पी शूटर रखा हुआ है, और भी पी शूटर लगाने पड़ेंगे, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ भैया देखिए ज़ॉम्बी कितने पास आते जा रहे हैं, इस लेवल को क्रॉस करना ज़रूरी है भैया। हम किसी भी हालत में ज़ॉम्बियों को ये फ्लावर क्रॉस करने नहीं दे सकते, पहले भी हमने ऐसे लेवल क्रॉस किए हैं भैया, इस बार भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। देखिए एक तो लगभग क्रॉस कर ही लिया था, पर आपने सही टाइम पे उसमें सैलरी लगा दी भैया। देखिए ये बड़ा वाला ज़ॉम्बी है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा भैया। अभी आपने फायर पी शूटर रखा हुआ है, और आपने एक और इसमें यूज़ भी कर लिया फ्लावर फूड प्लांट भैया। देखिए अरे ये तो पास आते जा रहा है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा भैया। ओ बाप रे, ये तो मर ही नहीं रहा भैया, कुछ करिए, देखिए कहीं वो फ्लावर को ट्रैम्पल ना कर दे। ओ अच्छा हुआ आपने सही टाइम पर ये लाइटनिंग बोल्ट यूज़ कर लिया भैया, वरना तो लगभग हमारे फ्लावर्स ट्रैम्पल हो जाते हैं भैया, और ये स्टेज ख़त्म हो जाता। देखिए अभी ये जो फाइनल वेव आने वाली है भैया, इसमें और बड़े बड़े ज़ॉम्बी आ रहे हैं, तो कुछ करना पड़ेगा। देखिए वॉलनट तो ख़त्म हो गए भैया, वॉलनट हमको और लगाने होंगे, वरना दिक्कत हो जाएगी। एक वॉलनट को तो इसने लात मारकर बाहर ही फेंक दिया भैया, और बड़ा वाला ज़ॉम्बी भी आ रहा है, उसे भी कुछ करना पड़ेगा भैया। ओए तो फिक्र मत कर, मैंने उसे टाइम वार्प कर दिया है, वो आए सही, उसके लिए मैंने दो दो फायर पी शूटर रख दिए हैं, और मेरे ख्याल से ये ह्यूज वेव के लिए आखिरी वाला है। तो एक प्लांट फूड भी मैंने उसके ऊपर यूज़ कर लिया, उसके बाद भी उसे कुछ नहीं हो रहा है, और इसके पीछे एक सैलरी रख दी। ओ कहीं ये ट्रैम्पल ना कर दे, बच गए, अगर वो ट्रैम्पल किया रहता तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो मेरे ख्याल से अब ये ख़त्म हो जाना चाहिए, ये बड़ा ज़ॉम्बी कितने देर तक टिकेगा पता नहीं। चलो अच्छा है आखिरकार मर गया। ओ ये क्या अनलॉक हुआ है, ये तो मशरूम है, ये क्या करता है, और इसके ऊपर सिर के ऊपर एक नाली लगी हुई है, ये क्या करती है। भैया ये स्पोर्ट्स रूम है, ये जब भी ज़ॉम्बियों को मारता है तो जो ज़ॉम्बी मरते हैं उनकी जगह पे ये मशरूम आ जाता है भैया, बहुत काम का प्लांट है। देखिए भैया इसको यूज़ करके देखते हैं। ओए हाँ ऐसे में तो मज़ा आ जाएगा, और जितने ज़ॉम्बी मरते जाएंगे उतने ज़्यादा ये प्लांट उगते जाएंगे। कैसा अजीब कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत मज़ा आएगा, मुझे लगता है कि अब दिक्कत नहीं होगी हमें। अरे भैया यहीं पर तो गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि इतना आसान नहीं होने वाला, अगर इतना आसान होता तो क्या बात था भैया। चलिए अब इनको प्लांट करके देखते हैं भैया। देखिए ये म्यूज़िक के साथ बज रहा है भैया, अब ये जो लेटर वाले हैं भैया ये लाते जाएंगे इसको ढकेल के, और इसमें से ज़ॉम्बी निकलते जाएंगे भैया, जैसे पहले के स्टेजेस में होते थे भैया। अब इनको हमको तोड़ना होगा, तो इसके लिए हमको चेरी बॉम्ब की ज़रूरत पड़ेगी भैया, तभी हमारा काम बन पाएगा। देखिए कैसे लगातार ज़ॉम्बी आते जा रहे हैं, देखिए और उनकी जगह एक नया चेरी ये आ गया भैया, देखिए बढ़िया है। ओ यहाँ ये तो गजब का प्लांट है, अभी तो और लगाने होंगे, मैं इधर इधर भी लगा देता हूँ जहाँ ज़ॉम्बी आते जा रहे हैं। तो ओ इसको ख़त्म करना पड़ेगा, इसको ख़त्म कैसे करेंगे, मशीन तो टूटेगी नहीं, और उसमें से ज़ॉम्बी आते जाएंगे, तो
तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर तो और वैसे मशरूम उगते जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मशीन टूटे तब तो फाइनली मशीन टूटेगी तब हमारा काम बनेगा। हाँ भैया, इसकी एबिलिटी तो है, लेकिन ज़ॉम्बी लगातार आते जा रहे हैं भैया, तो उनका कुछ करना पड़ेगा। देखिए ये लगातार रुकते जा रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि नए नए ज़ॉम्बी भी आते जा रहे हैं भैया। जब तक हम उन मशीन्स को नहीं तोड़ेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा भैया। ओए हाँ, देखते जा तू, अभी तो सबको ऐसे ही निपटाते जाएंगे हम। हाँ भैया, देखते जाइए। मुझे भी लगता है कि आराम से हो जाएगा, बस एक चेयर ही मिल जाता तो काम बन जाता भैया, क्योंकि लगातार ज़ॉम्बी आते जा रहे हैं और वो पीछा ही नहीं छोड़ रहे भैया। देखिए कितने सारे एक साथ हैं, हमारे पास इतने सारे स्पोर ब्लॉसम हो चुके हैं भैया, लेकिन उसके बाद भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। और फाइनली चेरी बॉम आ गया भैया, वाह जिसका तलाश था वही हुआ, और चेरी बॉम से वो तुरंत ही आर्केड टूट गया भैया। इनको भी तोड़ना पड़ेगा, तो अब सही है। देखिए जैसे ये टूट गया भैया और इन लोग लाते जा रहे हैं, तो सोचना पड़ेगा क्योंकि और नए ज़ॉम्बी आते जा रहे हैं भैया। ओए वही तो मैं भी देख रहा हूँ, कितने सारे ज़ॉम्बी एक साथ आ रहे हैं, बाप रे बाप, अरे बाप रे, रुक ही नहीं रहे हैं। हाँ भैया, मैं भी तो वही देख रहा हूँ भैया, देखिए कितने सारे ज़ॉम्बी एक साथ आ रहे हैं, इनको रोकना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमको वो जो आर्केड बॉक्स है भैया उसको तोड़ना होगा, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको चेरी बॉम्ब मिल जाए भैया। देखिए अभी इसके बाद एक यूज वेव और बाकी है भैया, और ये ज़ॉम्बी जो है वो और पास आते जा रहे हैं भैया। ओए क्या हम इसमें प्लांट फूड यूज़ नहीं कर सकते? तो प्लांट फूड तो वैसे भी हमारे पास है नहीं, अगर होते तो अच्छी बात होती। तो देख कई सारे ज़ॉम्बी एक साथ आ रहे हैं, सब मरते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, और एक चेरी बॉम्ब भी मिला, तो देख कितने सारे एक साथ आ रहे हैं, बाप रे बाप। हाँ भैया, ये फाइनल वेव है, और फाइनल वेव के पहले तो देखिए कितनी सारी मशीनें भी लग गई हैं, और कितने सारे ज़ॉम्बी भी आ रहे हैं भैया। बाप रे, इन मशीनों को रोकना होगा भैया, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए आगे खसकाते खसकाते तो ये और आगे आते जा रहे हैं भैया, अरे कुछ करना होगा। हमको जल्दी से जल्दी चेरी बॉम्ब की ज़रूरत पड़ेगी भैया, और हमारे पास तो कोई प्लांट फूड भी नहीं है। और वैसे भी स्पोर ब्लॉसम को कहाँ लगाएंगे भैया, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इनको लगाने का कोई जगह भी नहीं दिख रहा भैया। देखिए ये और पास आते जा रहे हैं, अच्छा हुआ यहाँ पर एक आपने ब्लास्ट कर दिया, पर ये कोई फ़ायदा नहीं है भैया, क्योंकि इतने सारे ज़ॉम्बी एक साथ आ रहे हैं। देखिए उनको कुछ हुआ भी नहीं भैया, हो अभी तुरंत यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा हुआ एक मशीन तो लगभग ख़त्म हो गई है भैया, दो मशीन और बाकी है। देखिए वो अच्छा हो रहा है, ओए बस इतने ही बाकी है, फिर इसके बाद हमारा डे 22 भी ख़त्म हो जाएगा। पर ये बहुत दिक्कत हो रही है इसमें तो सबको, अगर इतनी जल्दी जल्दी लाइटनिंग बोल्ट यूज़ करेंगे तो हमारी दिक्कत हो जाएगी, और अभी तक कोई हमको बॉम्ब भी नहीं मिल रहा। बॉम्ब मिल जाता तो हमारा काम हो जाता, लेकिन कोई बॉम्ब भी नहीं मिल रहा, ये बड़ी दिक्कत की बात है। हाँ भैया ये तो है, लाइटनिंग बोल्ट के लिए अब हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं बाकी भैया, क्योंकि हमारे जितने गोल्ड थे वो लगभग ख़त्म हो गए हैं। तो फाइनली एक मिल गया, और लाइन लॉन मूवर चला गया, लेकिन भैया हमने ये लेवल जीत लिया, बढ़िया है, एक लॉन मूवर से हमने स्टेज को जीत लिया है भैया। हर बार तो सबको बचाना पॉसिबल नहीं है भैया, लेकिन चलता है। देखिए एक लॉन मूवर से भी अगर आप जीत जाते हैं तो अच्छी बात है भैया। ओए हाँ ये तो है, बहुत बढ़िया, अच्छा है, अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखने दें, एक और स्टेज आ गया 23rd। हाँ भैया, इसमें वही खतरनाक ज़ॉम्बी आ रहा है भैया, जो आर्केड टेबल को खसकाता हुआ लाता है, जिसमें से और बहुत सारे ज़ॉम्बी निकलते हैं भैया, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो आपने सनफ्लावर रख लिया, और साथ में वॉलनट भी रख लिया, बोंग चॉय भी रख लिया भैया, चेरी बॉम्ब बहुत ज़रूरी है, तो चेरी बॉम्ब भी रख लिया। अब स्पोर ब्लॉसम रखते हैं भैया, और देखते हैं, एक टाइम वॉर्प तो रखना ही पड़ेगा भैया, क्योंकि टाइम वॉर्प बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सही है, पर आपने स्पोर ब्लॉसम नहीं रखा भैया, कहीं तो रखिए। अच्छा स्पोर ब्लॉसम तो पहले ही हमारे पास है भैया। ओए ठीक है, पहले सनफ्लावर लगाना चालू करते हैं, जब हमारे पास इनफ सन आ जाएंगे तब हम स्पोर ब्लॉसम को लगाएंगे, तो अभी तो सही चल रहा है। हाँ भैया, तो सनफ्लावर प्लांट करना चालू करते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी आ रहे हैं भैया, तो उनके लिए ये हम सैलरी यूज़ करते हैं भैया। देखिए सैलरी से जल्दी मर जाएंगे, और इस लेवल पे तो दो ही फ्लैग आने वाले हैं भैया, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये पहला ज़ॉम्बी तो मर गया, अब देखते हैं क्या होने वाला है। तो ये घूमता वाला ज़ॉम्बी भी आ रहा है भैया,
इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो अभी तक तो सब सही चल रहा है भैया। ओए देख, तूने नाम लिया और ये मशीन वाले आ गए। तो अभी तक तो हमने एक ही स्पोर ब्लॉसम लगाया है, और जैसे ही ज़ॉम्बी मरेंगे उसके बाद एक और स्पोर ब्लॉसम आना चाहिए, पर अभी नहीं हुआ क्योंकि ओ मशीन से तो वो हमारा जो हमने लगाया था उसको तोड़ दिया इसने। हाँ भैया, उसने तो ज़मीन समतल कर दी भैया, यानी कि वो गायब हो गया। अरे बाप रे, खतरनाक है भैया, इसको जल्दी से मारना होगा वरना हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा भैया। ओए पिछले बार भी सेम प्रॉब्लम आई थी, पर हमने टैकल कर लिया, वैसे ही इस बार भी कर लेंगे। जैसे ही मुझे एक बॉम्ब मिलेगा मैं इसके दोनों जो मशीन्स हैं उनको फोड़ दूंगा, पर अभी तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ भैया, दिख रहा है भैया, पर पता नहीं अपना चेरी बॉम्ब कब अनलॉक होगा भैया, क्योंकि वैसे भी केवल 25 सन ही बाकी है और हमने हर जगह स्पोर ब्लॉसम लगा दिए हैं भैया, तो हमारा काम तो होना चाहिए। देखिए, दो पहले से मशीन थे, अब दो और हो गए हैं भैया, इनको जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा वरना ज़ॉम्बी इसमें से निकल के बहुत जल्दी जल्दी आते जाएंगे भैया। और जिन ज़ॉम्बियों का टेक्सचर है आपने देखा ना भैया, बिल्कुल गेम जैसे 8-bit वाले गेम होते थे वैसे टेक्सचर दिख रहा है भैया, एकदम पुराना वाला। देखिए किस टाइप के ज़ॉम्बी आ रहे हैं, दोनों अलग टाइप के ज़ॉम्बी हैं भैया। ओए हाँ, ये तो लग रहा है कि गेम वाले ज़ॉम्बी हैं, जो प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 1 वाले थे, जो आर्केड में शायद खेला जाता होगा। पर अभी देख कितने सारे ज़ॉम्बी एक साथ आ गए हैं, इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। ओ ये क्या, इसके ऊपर प्लांट फूड यूज़ करने से उतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता। मैंने सोचा कि ये सबको संभाल लेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये संभाल पाएगा भैया। टाइम वॉर्प यूज़ करिए भैया, देखिए आपके पास सन है, देखिए भैया बचाइए, क्योंकि टाइम वॉर्प यूज़ करना ज़रूरी है। ओ कहाँ गया टाइम वॉर्प, अरे ये तो अभी तक एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। अच्छा हुआ बम अपने सही समय पर यूज़ कर लिया भैया, वरना तो दिक्कत हो जाती। अब जाकर टाइम वॉर्प यूज़ हुआ है भैया, यानी कि अभी एक्टिवेट हुआ है और ज़ॉम्बी आते जा रहे हैं भैया। देखिए हमारे पास 3 मशीन हो गई है, उनको तोड़ना पड़ेगा भैया, और उनसे लड़ने के लिए तो आपके पास सेकंड लेन में कोई है ही नहीं भैया। आपने ये क्या किया? ओए मैंने क्या किया है सेकंड लेन में, अच्छा हुआ अभी तक टाइम वॉर्प हमने यूज़ नहीं किया था, अब जाके यूज़ कर लिया। देख 3 मशीनें रखी हुई हैं, उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और ये स्पोर ब्लॉसम मेरे ख्याल से मशीनों पर अटैक करते हैं कि नहीं ये पता नहीं मुझे। तो कितनी सारी मशीनें हो गई हैं, और आखिरकार ह्यूज वेव आने वाली है, तो बढ़िया है। अभी तो बम का यूज़ करके मैंने वो 2 मशीनों को तोड़ दिया है, एक मशीन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, उस पर हम अटैक कर करके उसको ख़त्म कर दिया है। अभी एक मशीन बाकी है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ भैया, देख तो रहा हूँ, देखिए कितने सारे ज़ॉम्बी एक साथ है भैया, और उसे ढकेल कर वो मुझे हमारे प्लांट को भी नुकसान पहुँचाएगा भैया। अच्छा हुआ बोंग चोए ने उसे ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था, पर ये क्या भैया, ख़त्म होते होते वो बच गया, वरना उसे तुरंत ही ख़त्म कर देते भैया। ओए ये तो बहुत पास पहुँच गए हैं, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ओह अटैकिंग भी अगर मैंने इसमें प्लांट फूड यूज़ किया तो भी उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, तो कुछ करना पड़ेगा। देख बम भी यूज़ किया, लेकिन बम भी उस मशीन को तोड़ नहीं पाया। तो अच्छा हुआ हमने यहाँ टाइम वॉर्प यूज़ कर लिया है, तो वो हमें कुछ टाइम दे देगा। हाँ भैया, अब तो आपके पास लाइटनिंग बोल्ट यूज़ करने के लिए लायक भी पैसा नहीं है भैया, अब तो हमको कैसे भी करके काम चलाना ही पड़ेगा भैया। एक वॉलेट आपने रख दिया, अच्छी बात है। देखिए भैया वार्केट वाले कैसा खा रहे हैं, देखिए, और सेकेंड लेन में तो बहुत सारे आ गए हैं भैया, उनका कुछ करना पड़ेगा। देखिए एक ढकेलने वाले को तो आपने ख़त्म कर दिया, लेकिन जो वो कोन वाला ज़ॉम्बी है वो बहुत पास आ गया है भैया। अच्छा वो भी ख़त्म हो गया। कितने सारे ज़ॉम्बी एक साथ है, सबको ख़त्म करना ज़रूरी है, बस ये ख़त्म हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा भैया। लेकिन ये देखिए भैया, ये टूट ही नहीं रहा है, इस मशीन को तोड़ना ज़रूरी है भैया। अगर हमारे पास इनफ सन होते तो हम वहाँ बम लगा देते भैया, और एक बार में हमारा काम ख़त्म हो जाता। देखिए ओ कहाँ पर है, ओ ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बस एक बॉम मिल जाए उसके बाद हमारा काम बन जाएगा। जैसे ही चेरी ब्लॉसम हमारा चेरी बॉम यूज़ हो जाएगा उसके बाद हमारा काम बन जाएगा। देख एक्टिवेट हो गया, आखिरकार ख़त्म हो गया, तो बढ़िया भैया, बहुत मज़ा आया। देखिए भैया आखिरकार हमने इस लेवल को भी क्रॉस कर लिया। तो भैया ये था वीडियो, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। तो आपसे मुलाकात होगी आगे के एपिसोड में, तब तक के गुड बाय।
We'll be right back.